मैं ये ऐसे क्यों बना रहा हूँ, मैं ये दिखा दूँ आपको कि मैं हूँ कहाँ अभी। और गाइस ये देखिए हल्की सी कैलाश की झलक दिख रही है आपको, यहाँ हमने स्टे किया था रात को और फिर यहाँ से ठीक है ना, वो मतलब इन्होंने जो गलती कर दी थी पता ही होगा आप सबको, कल छोड़ के चला गया था मेरे को हैं। गाइस इस ट्रिप पे ना मैं आपको एक गाना सजेस्ट करना चाहूँगा। रात को तड़प तड़प के मर गए थे, कट लग रही है भाई, सांसें पसा कैसे ले रहा है। मैं कह मनु क्या हो गया, कह रहा ठंड लग रही है भाई। भाई फिर एक और कंबल दिया मैंने इसको, मैं कह ले ऊपर ले ले। गुड मॉर्निंग गाइस, मैंने आप जैसे आप सबको बताया था कि मैं वहाँ धनचो से आपसे लास्ट टाइम जुड़ा था, अब हमने रात को फिर ट्रैक किया तो रात को तो मैंने सोचा आपको क्या ही दिखाऊंगा, बाकी जो मेरे साथ हितेश है उसका मतलब चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा तो उस पर आपको रात के कुछ शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, मैं हो पाया तो मैं भी ले लूँगा उससे। और फिलहाल मैं ये ऐसे क्यों बना रहा हूँ, मैं ये दिखा दूँ आपको कि मैं हूँ कहाँ भी। लहरी देख रहे हो गाइस, ये है पीछे मणि महेश कैलाश और पीछे पूरा व्यू देखो। और हमारे साथ ना दो भाई और जुड़े थे, तो एक भाई तो थोड़ा कैमरा शाय है, बाकी एक भाई हमारे साथ है, ये थोड़ा और ट्रैकर ही है, मतलब ट्रैकर क्या, अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले क्या किया है, श्रीखंड महादेव नहीं किन्नर कैलाश, किन्नर कैलाश किया भाई ने 12-13 दिन पहले ही, और भाई ने इतना कल मोटिवेट किया, इतना मतलब मोटिवेट किया भाई ने, मैं क्या बताऊं। सिद्धांत नाम है भाई का, भाई कहाँ से, सिद्धांत शर्मा, सिद्धांत शर्मा ही है भाई, जैसे हम शर्मा भाई हिमाचल से भाई, बाकी देखते हैं जैसे भी होता है आपसे जुड़ते हैं आगे, और आपको हम नीचे का पूरा ट्रेल दिखाएंगे जैसे भी है, क्योंकि रात को तो फिर चढ़ते हुए तो क्या ही दिखाते, अंधेरा हो गया था। उतर रहे हैं गौरीकुंड की तरफ, जहाँ रात को स्टे करा था हमने, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो आपको नीचे कैंप दिख रहे हैं ना, ये यहाँ हमने स्टे किया था रात को और फिर यहाँ से पूरा ये चढ़ के यहाँ आए थे जो मैंने आपको दिखाया वहाँ, और अब आपको नीचे का सारा दिखाऊंगा जहाँ से हमने कल रात को जहाँ से चढ़े हैं ठीक है गाइस, वहाँ थे और यहाँ से उतरते हुए यहाँ से निकला है, और हर हर महादेव लंगर एवं सेवा समिति, बाकी चलते हैं अब आगे। और ये देख लीजिए व्यू, अपने कैंप्स की तरफ जा रहे हैं, अपना सामान वान हमने वहीं छोड़ा हुआ बाकी का बैग्स वगैरह, तो वो लेके आगे निकलते हैं, तो आप चलिए हमारे साथ। हाँ तो गाइस हम निकल गए हैं अपना फाइनली मणि महेश से, और ये देख लीजिए एक बारी व्यू फाइनली, और ये व्यू तो खैर मैंने आपको दिखाई दिया है, शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं इससे पहले, बट स्टिल अब देख लीजिए हम नीचे चल रहे हैं, और एक बारी भाइयों से एक्सपीरियंस बता दो, एक बारी मैं आ रहा हूँ, बाकी भाइयों बताइए कुछ बढ़िया, मैं अभी लास्ट में शेयर करूँगा, मैं लास्ट में ना एक कंक्लूजन डालूंगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को बतानी है, बाकी आप बताओ। भाई हम सब ग्रुप में 4 लोग थे, हाँ वो लोग हमें और मिले थे, हाँ वो मैंने बताया, हाँ थोड़ा तेज बोलो आवाज़ ना आए, इनका कैमरा हमें नहीं रखा और ये भाई पांचवी बार आए हैं यहाँ, पांचवी बार पंच कैलाशी, और यहाँ पंच कैलाशी भाई क्या बात, और पांच ही कैलाशी है, पांच ही कैलाश है वर्ल्ड में, और आप पंच कैलाशी क्या बात है, हर हर महादेव। हाँ मैंने बताया भाई ने काफी ट्रैक्स करे हुए हैं, और ये भी भाई घूमता रहता है, तो बस दिल्ली से हूँ मैं, दिल्ली से हूँ मतलब भाई ठीक है गाइस, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ये म्यूजिक नहीं गाने ने बस 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 पॉज 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 फटाफट पॉज, कॉपीराइट आ जाता है गाइस, पता है ना आप सबको, अभी भी आ सकता है पर कोशिश करना ना है, राधे राधे भगवान का ही गाना है यार, हम भी देखो भगवान के दर्शन करवा के ले जा रहे हैं आपको नीचे, हम बोले हाँ गाइस ये है ना, ये देखिए अभी जब हम बादल आ गए थे भोले यही चाह रहा था कि सिर्फ हम ही दर्शन करें, हम चार लोंडे देखिए गाइस, और ये देखिए ये हमारे ट्रैवलर साहब, ये हमारे कैंप्स, और वो पीछे कैलाश, क्या बात है, ये ऊपर का माला थोड़ा तिरछा बना है, ये आपका फ्लोर है क्या, क्या बात है गजब नाइस, बाकी ये देखिए गाइस यहाँ कितने सारे घर बने हुए हैं, बुर्ज खलीफा भी दिख रही होगी बीच में आपको, बाकी चल रहे हैं ये हट के करते हैं, ये ना हर चीज चिरांद है बहुत बड़ी।
गाइस हम ना नीचे दूसरे रास्ते से उतर रहे हैं, जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ते आपको भी मुकेश भाई दिखा देंगे जिन्होंने 5 सीट ट्रैक कर रखे है, और बाकी मैं मेघवरी। हाँ भाई मुकेश भाई क्या हाल है, पहले तो आप ये बताओ। बढ़िया। मुकेश भाई को आप जानते ही होंगे सब, आप हर मतलब पिक्चर देखने जाते हो तो उससे पहले आते ही हैं ये। मेरा नाम मुकेश है, मैंने 3 साल बुक कर चबाया। ठीक है ना, वो मतलब इन्होंने जो गलती करती थी पता ही होगा आप सबको। ठीक है ना, चलो बाकी काफी पैसा कमा के सोचा। हाँ भाई तभी तो ट्रैकर बन गया है, ट्रैकर बन गया भाई जी। पर चलो भाई बताओ। हाँ गाइस हम लोग जो जो बेस कैंप दिख रहा है वहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया था। हाँ, मैगी वैगी। हाँ, फिर हम चले थे रात को। हाँ, हमने जो ये ट्रेल दिख रहा जो जिगजैग, हमने हाँ, ये ट्रेल ये वाला ना ये ऐसे वाला। हाँ, और फिर ये ऊपर पूरा कहाँ तक। हाँ, ये ऊपर फॉलो कर नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो ब्लू टेंट। हाँ, वो जो ब्लू वहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया था फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद पूरा हमने गौरीकुंड तक का ट्रैक नॉन स्टॉप किया। हाँ, तो ये पूरा गौरीकुंड तक का था। तो और रास्ता एक यहाँ से भी है, ये वाला जो रास्ता है यहाँ से भी, बट इसके लिए भी फिर आपको यहाँ तक आके फिर ऊपर इवेंचुअली चलना ही पड़ेगा। बट अभी फिलहाल हम यहाँ से आए थे, अब पता नहीं ये मुश्किल है वो है, पर हमें तो ये ठीक लगा, मतलब रात के हिसाब से भी हम चल लेना तो सही लगा हमें, ये नहीं लगा। ये नीचे वाला रूट ना बेसिकली मील्स और उनके लिए भी फॉलो करते हैं। अच्छा हाँ, जो मतलब घोड़े वोड़े होते हैं ना तो उसके लिए भी यूज होता है, तो इस वजह से वहाँ पे जाना थोड़ा रिस्की रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गाइस ये देखिए हल्की सी कैलाश की झलक दिख रही है आपको, बस अब बाय बाय करने वाले कैलाश को हम भी और आप भी, बाकी चलते हैं नीचे। और हमारे वो जो दो थे नमूने वो नीचे चले गए, बाकी हम दो नमूने रह गए यहाँ, और बाकी चलो फिर। हाँ तो गाइस हम धनचो पहुँच चुके हैं वापस, और यहाँ का आप ब्रिज देख लीजिए, और ये ब्रिज को देखिए क्रॉस कैसे कर रहा है हमारा पहाड़ी कुत्ता। हाँ भाई शेरू कल छोड़ के चला गया था मेरे को हैं। हाँ गाइस ये बस ना ये मतलब आप ये मान लीजिए कि जो धनचो है ना वो मिड पॉइंट पड़ जाता है जहाँ से ट्रैक शुरू हुआ है वहाँ से, और यहाँ से मतलब गौरीकुंड भी लगा लो 6-7 किलोमीटर है, और जो हटसर से हमने शुरू किया था ट्रैक वहाँ से भी मतलब ये 6-7 किलोमीटर है। धनचो तो ये मतलब फर्स्ट एक वो पड़ जाता है मतलब मिड पॉइंट, बाकी देखते हैं फिर जैसे भी होता है। ब्रिज देख लीजिए, मैं आपको ब्रिज क्रॉस करते दिखाता हूँ। आज भी गाइज रात हो ही जाएगी हमें जहाँ तक है बाहर निकलते निकलते, पर देखते हैं जैसे भी। अब व्यूज तो सारे हमने आपको मेनली दिखाई दिए, बाकी जैसे भी अगर कुछ और दिखेगा कुछ ऐसा अलग सा तो आपको दिखाते हैं, आप बन रहना। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, और फिर से हमारा लास्ट का ट्रैक, मैंने आपको लास्ट वीडियो डाली थी ना धनचो वाली, उसके बाद फिर हम आ गए थे, और मतलब जब तक पहुंचा अंधेरा हो गया था, मतलब इसमें पहाड़ों में तो मैं क्या ही दिखाता आपको अंधेरे में, बाकी तो मैंने आपको मेनली तो सब दिखाई दिया था। फिलहाल अभी हम आते आते कहाँ रुके थे, जोध में रुके थे। हाँ ये देखिए यहाँ रुके थे, और ये आपको नंबर भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे ना, अगर आप कभी भी आए तो आराम से आप यहाँ पे आके होटल ले सकते हैं, और बिल्कुल ना हिल टॉप पे है ये। चमन नाम है, चमन जगह का नाम है, चाहे अंकल का नाम है चमन। अच्छा अरे सॉरी मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। गाइस इस ट्रिप पे ना मैं आपको एक गाना सजेस्ट करना चाहूँगा पूरी पे, राधे राधे। तो देखो वो तो खैर सबकी नर्व्स है, मेरी तो है, बाकी की भी सबकी, मतलब जो भी सारे डिवोशन की तरफ ज़्यादा है उसके लिए वो राधे राधे गाना, पर एक ना मेरे को वो किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए करके गाना है। ओए होए 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 होए, मैं ट्रैक कर रहा था गाइस, इतना मोटिवेट हुआ कि मतलब मैंने कहा कि यार मज़ा ही आ गया। गाइस रोड देख लो यार, पर ये रोड तो उस रोड के बारे में सामने कुछ भी नहीं है जो हमने रात को, ये ना टूटा हुआ रोड, पर काम चल रहा है गाइस, बहुत जल्द सही भी हो जाएगा ये, जैसे हाँ भी थ्रू आउट ऑलमोस्ट ज़्यादा तो बढ़िया ही था, पर जहाँ हम परसों थे ना जब हम पहुँचे थे जब वहाँ ज़्यादातर मतलब हमें ना फील थोड़ी से फिर मोड़ तक का रास्ता, हाँ स्पीति वाली फील आ रही थी वहाँ पर ना बीच में ऐसे ही। गाइस देख रहे हो लैंडस्लाइड है ये सारे दिख रहे हैं सामने, ये जो अभी हुई है इसी साल, ये देखिए हालत देखिए इसका।
on our way back, guys. पूरा ही देखिए कितना सही इन्होंने वो कर रखा है। बाकी हम वापसी में है, चंडीगढ़ पहुंचने में अभी लग जाएगा 1-1.5 घंटा। हमने सामान वामान मंगवाया खाने का, बाकी आपको बताते जैसे भी होता। ये लफ्ज ट्रेलर से मेरे दिल में हुई हलचल, मेरा चैन चुराता है तेरी आंख का काजल। तो गाइस हमारा सफर हुआ खत्म और यहाँ से ईशू भाई से और मुकेश भाई से विदा लेने का टाइम आ गया है। सही थी ट्रिप। मैं मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। वो मैं लास्ट में बताऊंगा गाइस आपको। बाकी ठीक है भाइयों, मिलना आप दोनों भी बहुत जल्द यार, ठीक है? बहुत जल्द मिलते हैं आप दोनों से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो गाइस, तो फाइनली हमारा सफ़र वापसी का शुरू हो गया है चंडीगढ़ से, और मैं अभी हूँ चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे पे, और यहाँ से आपके सामने ही है 5 घंटे। आप देख ही पा रहे हो गया कि मैप्स में 5 घंटे के अराउंड दिखा रहा है दिल्ली। और बस अब यहाँ से निकल के पहुँचूँगा, और जहाँ तक ब्रेक नहीं लूँगा, मतलब खाने पीने के लिए नहीं लूँगा, वैसे थोड़ी स्ट्रेचिंग के लिए ले सकता हूँ। और ये याद रखना, मैंने मतलब एंड तो मैं दिल्ली में ही करूँगा ये ब्लॉग, बट ना लास्ट में एक कंक्लूजन होगा 1-2 मिनट का, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जब भी आप ऐसे किसी ट्रैक पे जाओ तो क्या सोच के जाओ, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कैसे कैसे होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप चलो मेरे साथ। गाइस बस दिल्ली घुसने की देर होती है और आपके सामने ही देख लो क्या सीन है। जब निकल रहा था तब भी जाम, अब जब वापस आया हूँ तब भी जाम, जाम 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 जाम, क्यों? हाँ तो गाइज मैं दिल्ली पहुँच गया, और पर ये व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने आपको बोला था मैं कंक्लूजन दूंगा, तो आप कंक्लूजन एंजॉय करो, आपको मतलब ताकि समझ आए, तो चलो फिर कंक्लूजन देखो। हाय गाइज, कंक्लूजन में आपका स्वागत है। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो कंक्लूजन है ना, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले जो पार्ट है उसके 2 पॉइंट्स है, उसमें मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जो दूसरा जो मतलब पार्ट है उसमें भी 2 पॉइंट्स है, उसमें मैं आपकी राय चाहूँगा, तो आप प्लीज़ उसमें मतलब कमेंट कर देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ी। तो बाकी मैं आपको फर्स्ट जो पार्ट है वो बता देता हूँ। उसमें गाइज ये है कि जैसे अगर आप मनी महेश कभी भी प्लान करते हो आने का, तो आप पहले ना भरमौर पहुँचिए। भरमौर पहुँचने के लिए आपको पठानकोट से डायरेक्ट बस मिल जाएगी, मतलब मेनली आपको पठानकोट पहुँचना है, जहाँ से भी आ रहे हो वहाँ से आप डायरेक्ट बस लेके भरमौर पहुँचेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भरमौर से पहले आप रमानी देवी के मंदिर जाएंगे, जहाँ पर आप स्नान करेंगे होली पूल में। फिर वहाँ से आप जाएंगे हटसर, जहाँ से आपका मनी महेश का ट्रैक शुरू होगा। और पहले आपको रमानी देवी के मंदिर इसलिए जाना होता है क्योंकि शिव जी ने रमानी देवी जी को वरदान दिया था कि जब भी कोई मनी महेश की यात्रा करने आएगा तो पहले वो तेरे यहाँ आके स्नान करेगा, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसकी मनी महेश की यात्रा इनकम्प्लीट मानी जाएगी, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। और फिर आप वहाँ से जैसे हटसर पहुँचे, तो हटसर से आपका वो ट्रैक शुरू होगा। और मनी महेश जो लेक गाइस मैंने आपको दिखाई है ना, वो लगा लो सी लेवल से 13,000 फीट ऊपर है, और जो मतलब मनी महेश कैलाश पीक है वो 18,000 फीट ऊपर है। और ये भी कहा जाता है कि एक मतलब ये यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो सीधा स्वर्ग को, मतलब स्वर्ग का रास्ता कहते हैं कि यहाँ मनी महेश में स्वर्ग का रास्ता है जो मनी महेश कैलाश है वहाँ से। और ये भी कहते हैं कि एक गडरिया था, उनको शिव जी रात को सपने में आए थे, और उन्होंने शिव जी ने अपने पास बुलाया था उसको कि तू आजा मेरे पास, पर ये एक शर्त रखी थी कि तू जो तेरे साथ तेरी शीप्स है उनकी तरफ तू देखेगा नहीं, पीछे नहीं मुड़ेगा, और जैसे जैसे आगे आगे स्टेप्स लेता रहेगा वैसे वैसे उनको काटता रहेगा। तो उसने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने मतलब सपने में ही जो भी। और ऐसे फिर अगले दिन जब उसने चढ़ना शुरू किया, तो ऐसी ऑलमोस्ट जब पहुँचने वाला था ऐसी काटता रहा और हर स्टेप पर काटता रहा, और पूरा जैसे ऑलमोस्ट पीक पर पहुँचने वाला था, तो उसको ये लगा ना अचानक से जैसे कन्फ्यूज़ हो गया वो कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितनी मैं शीप्स अपने साथ लाया नहीं था उससे ज़्यादा मैंने काट दिया है। तो उसने ना पीछे मुड़ गया, वो जैसे ही वो पीछे मुड़ा वो पूरा पत्थर का बन गया। और फिर उसके बाद से किसी और की, जैसे ये स्टोरी सुनने के बाद किसी और की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई चढ़ने की। कैलाश तो खैर और किसी के बस की हुई भी नहीं है, सही बताऊँ तो एवरेस्ट चढ़ लिए लोग, पर कैलाश नहीं चढ़ पाए क्योंकि वहाँ काफ़ी आपको पता ही है काफ़ी सारी चीज़ें पता भी नहीं चलता, कब क्लाइमेट चेंज हो जाता है, कब क्या हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। वो शिव जी की माया है, कभी भी कुछ भी हो जाता है जो आता है, आप सबको ये चीज़ तो पता ही होगी। और मैं आपको दूसरी चीज़ ये बता दूँ कि अगर आप ट्रैक करने का सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी बिगिनर लेवल ट्रैकर हो, या आपने सोचा है कि चलो यार मैं शुरू करूँगा और यहीं से ही शुरू करूँगा मनी महेश से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मत करो मनी महेश से स्टार्ट। पहले आप छोटे मोटे ट्रैक्स निपटा लो, फॉर एग्जांपल खीर गंगा हो गया, त्रिवंड हो गए,
उसके बाद आप मनीमहेश के लिए आओ तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ट्रैक पे आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। तो मेरे हिसाब से मतलब मेरा ये सजेशन है, करने के लिए कर सकते हो मनीमहेश भी डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरा सजेशन है। और मैं आपको ना यहाँ पे एक लिस्ट डाल दूंगा या ऊपर डाल दूंगा, उसमें मतलब आपको ये दिखा दूंगा कि अगर आप कभी भी ट्रैक पे जाओ तो आपको क्या क्या मतलब ज़रूरत पड़ सकती है, जो जो चीज़ें मैंने फेस करी उस हिसाब से डाल दूंगा। और एक चीज़ और गाइज, ये ना सिर्फ एक मिथ है कि आप रात को ट्रैक नहीं कर सकते, अगर आप 5-6 लौंडे हो तो आप आराम से कर सकते हो, अकेला तो कोई क्यों ही प्रेफर करेगा, पर ये सिर्फ मिथ है कि आप नहीं कर सकते, आप आराम से कर सकते हो। बस वही है कि जो मैंने लिस्ट डाली है उस पर थोड़ा ध्यान रखना, वो सारी चीज़ें रख लोगे तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और बाकी दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं जिसमें मुझे आपकी राय चाहिए, तो थोड़ा लाइट चेंज करके मिलता हूँ मैं। हाँ तो गाइज, दूसरा सेक्शन जो है कंक्लूजन का, वो ये है कि गाइज मुझे मतलब जिसमें आपकी राय चाहिए। तो गाइज देखो, मैं ना जैसे पूरा मतलब पहाड़ चढ़ा, और आपने मेरे शॉर्ट्स में भी कहीं कहीं जगह देखा होगा कि काफ़ी ना कूड़ा था, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं जाहिर सी बात है, मैं दिल्ली विल्ली में भी जितना भी घूमता हूँ वहाँ पर भी लोग काफ़ी कूड़ा कचरा कर देते, बट वहाँ है ना साफ़ हो जाता है, पर करना तो खैर कहीं भी नहीं चाहिए, बट पहाड़ों पर यार साफ़ भी नहीं होता। तो मैंने कहीं कहीं जगह ये भी देखा था कि वो कूड़े को ना जला रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि वो लोकल्स कर रहे थे या मतलब मे बी ना होता उनसे, कि अब जैसे होता है ना कि काफ़ी पहाड़ के ऊपर आ गए हो आप, फिर वहाँ पे आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता कि इधर उधर फेंकने के अलावा या मतलब जलाने के अलावा, तो वो मुझे नहीं पता। पर मेरे हिसाब से गाइस गलत है, क्योंकि अगर आप खुद सोचो ऐसे G20 के टाइम पे इतना खर्चा हो सकता है, और वो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था जो मतलब उस पर भी इतना खर्चा हो सकता है मतलब, तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे पहाड़ों पे ऐसे ट्रैक्स पे अगर हर 1-1.5 किलोमीटर के बाद 1-2 डस्टबिन्स लगा दिए जाए तो मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। बाकी गाइज आप मुझे बताओ कमेंट करके कि मैं कितना सही हूँ या कितना नहीं। और गाइज जो दूसरी चीज़ मतलब जिसमें मुझे आपकी राय चाहिए वो ये है कि गाइज मुझे ना ऐसा लगा कि वहाँ पे ना एनिमल अब्यूज़ काफ़ी हो रहा था, कि जैसे घोड़े वोड़े पे मतलब अपना अपना सामान लोग, जैसे होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया और मैंने वहाँ जाके बोल दिया कि मेरे से अपना सामान नहीं लेके जा रहा ऊपर, मेरे से नहीं ले जाया जा रहा ऊपर, तो वो वहाँ पे खच्चर वच्चर कर देते कि आप हमें 1,000 रुपये दो, हम आपका सामान पूरा ऊपर तक पहुँचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आओ, ठीक है, या हम भी जा सकते हैं उन पे बैठ के। तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं लगा, और ये बात ज़्यादा मुझे मतलब इसलिए हर्ट कर रही थी या मतलब ट्रिगर कर रही थी, क्योंकि जब मैं चढ़ रहा था ना मनीमहेश का उस पर ट्रैक पे, तो मतलब मैं तो अलग ही हो गया था इन सबसे, वो तो खैर आपने पूरी वीडियो में देख ही लिया, मैं पूरा अलग ही अकेला ही चढ़ा हूँ एक तरह से, आप ये समझ लो, ये सिर्फ कहने को ही मैं इनके साथ था, वैसे मैं चढ़ा अकेला ही हूँ। पर मैंने चढ़ते चढ़ते ना काफ़ी जैसे 1-2 जगह पे मतलब जैसे घोड़ों की डेड बॉडीज़ देखी, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी होली प्लेस पे जा रहे हो और कि आप शिव जी के दर्शन करोगे, ट्रैक करोगे, मनीमहेश कैलाश के दर्शन करोगे, इस तरीके से आप ये मेंटालिटी लेके जा रहे हो और आपको रास्ते में ऐसे किसी की डेड बॉडी दिख जाए तो आपको कैसा ही लगेगा ना, आप खुद सोचो, चाहे वो मतलब मारा हो, उसे ज़बरदस्ती मार दिया हो या पहाड़ से गिर गया हो, वो एक्स वाई जेड, बट पहाड़ पे चढ़ा है तभी गिरा होगा ना, तो पहाड़ पे चढ़ा क्यों है, क्योंकि लोगों ने मतलब ये सोचा होगा कि यार जैसे मतलब वही सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए कि यार हम तो पहुँच नहीं सकते, तो जो लोग जिनसे जाया नहीं जा रहा उनका सामान हम इस पर लाद देते हैं और पहुँचा देते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। खुद सोचो आप जा रहे हो और ऐसे आपको डेड बॉडी दिख जाए तो आपको कैसा ही फील होगा। तो मेरे हिसाब से गाइस अच्छा नहीं है ये, और एनिमल अब्यूज़ मतलब सही नहीं हो रहा, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वही है बस मेरा तो यार यही कहना था। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और जितनों को भी मतलब आप शेयर कर सकते हो ये वीडियो प्लीज़ करना, और कमेंट यार इस पार्ट के लिए ज़रूर करना कमेंट, और जितनों को भी मतलब आप टैग कर सकते हो कमेंट्स में वो भी कर देना, ताकि लोगों तक बात पहुँचे ये कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और कम से कम हो मतलब आगे धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है गाइस मेरे हिसाब से। तो ठीक है, फिर मैं आपसे बाकी फ़िलहाल नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, आप तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना इस पार्ट के लिए जो मैंने आपको लास्ट में कंक्लूजन में बताया है, और ठीक है शेयर भी कर देना। ठीक है फिर गाइज, मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। बाय। हाँ हाँ, अरे एक मिनट बस भाई गाइज, ठीक है गाना चलाना है और राधे राधे है, तो उसके आगे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए हमें, तो हम मिलते हैं आपसे आगे। हर हर महादेव। हाँ थोड़ा सोचा पीछे बैठूँ और हालत वालत क्या थी कैसा था ट्रैक में, वो सारा कंक्लूजन में होगा, और मे बी इसका टाइटल भी था कंक्लूजन हो वीडियो का, मे बी कुछ भी हो सकता है, मतलब आई डोंट इवन नो। मारतंड तो पहुंच गया, बस मारतंड पहुंच गया, जो बात है। गद्दियां उच्चियां रखियां ओ यार, अंध जत दे पीछे पर तू मेनू जादू लग जात क्या लगती। गाइस हम आपके आगे एक सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहते हैं पहाड़ों में, वादियों तशरीफ नहीं, हाँ चलो जहाँ भी रखने तशरीफ आप रखिए, और आराम से सुनिए हमें, हेडफोन्स लगा लीजिए, ठीक है फिर 1-2-3। अरे ये क्या चला देते हो तुम, मैं इसके अच्छा, जो डिसाइड होता वो करते नहीं हो, मतलब गाइस ये देख रहे हो
ये कैसे है ये लोंडे, इससे बढ़िया फिर हम नेचुरली कर ले, हम प्री प्लान हल्का फुल्का कर रहे हैं। नहीं नहीं कोई नहीं, अब करेंगे। Hey!